पन्ना पवई जन शिक्षा केंद्र बोरी अंतर्गत शासकीय माध्यमिक शाला करोदी में अतिथि शिक्षक की भर्ती में की गई अनियमितताएं। दो अभ्यर्थी 28 जुलाई को अपना आवेदन लेकर विद्यालय पहुंचे थे। बताया गया है प्रधान अध्यापक द्वारा ये बोलकर उन अभ्यर्थियों को टाल दिया गया कि हमारे विद्यालय में कोई भी विषय का पद खाली नहीं है। इसके बाद उसी विद्यालय में उसी दिनांक पर दूसरे अभ्यर्थी भरत राज सिंह की भर्ती कर ली गई। आपको बता दें जिस अभ्यर्थी की भर्ती की गई उसके पिता भागीरथ सिंह एक शिक्षक है जो की महेवा माध्यमिक शाला में पदस्थ है। माता जी बाजू में स्थित ग्राम पंचायत परासी की पूर्व सरपंच रह चुकी है। बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या अतिथि पदों पर भी योग्य युवाओं को नकार कर सोर्स और रसूखदार लोगों के बच्चे ही नौकरी कर पाएंगे। जब इस संबंध में विद्यालय के प्रधान अध्यापक एस के चैनपुरिया से बात की गई तो उनके द्वारा भी कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया। पीडब्ल्यूडी के टाइम कीपर मामले में क्या पीडब्ल्यूडी के रेस्ट हाउस में सभा हुई थी उस पर क्या कार्रवाई की? अगर परमिशन दी है तो किस आधार पर दी है और नहीं दी है तो क्या कार्रवाई? वहां के लिए कोई परमिशन नहीं ली गई थी, इस वजह से कलेक्टर साहब ने वहाँ के संबंधित टाइम कीपर को और उपयंत्री को निलंबित किया है। सर कौन है टाइम कीपर, कौन है सभी? टाइम कीपर का नाम रणधीर सिंह है और उपयंत्री का नाम संजय खरी।